नमस्ते जी, आज मैं यहाँ पे आपसे बात करने वाली हूँ हाउ टू चूज अ करेक्ट कोचिंग क्लासेस। अभी सभी के किसी के 10th के स्टेट बोर्ड के एग्जाम कैंसिल हो गए, सीबीएसई के कैंसिल हो गए, आईसीएसई ने कुछ दो ऑप्शंस दिए, तो सभी पेरेंट्स को भी ये परेशानी है। बेसिकली जो पेरेंट्स नीट और जेई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं कि मैं कौन से कोचिंग क्लास में अपने बच्चे को एनरोल करूँ, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी टिप्स देने वाली हूँ कि आपने आपके बच्चे के लिए कौन सा क्लास चूज करना चाहिए, कौन सा क्लास आपके बच्चे के लिए सही होगा, क्योंकि हर एक का बच्चा यूनिक होता है, हर एक का बच्चा स्पेशल होता है। तो अभी तो ये पैंडेमिक सिचुएशन में सभी जगह पे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में आपको तो पूरी इंडिया में ऑप्शंस है, करेक्ट। लेकिन ये आप ध्यान में रखिए कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है। लाइव क्लास होता है और वही क्लास रिकॉर्ड हो जाती है, क्योंकि ऑनलाइन है और काफी सारे फैसिलिटीज ऑनलाइन अभी अवेलेबल है, काफी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे टीचर्स अपने क्लास के रिकॉर्डेड वीडियोज ही भेजते हैं, और जब रिकॉर्डेड वीडियोस बच्चों को मिलते हैं तो बच्चा बोलता है नहीं ठीक है ना, अभी मैं नहीं देखता हूँ, मैं बाद में देखूंगा, अभी मेरा ये चल रहा है वो चल रहा है। तो somehow बच्चे भी छोटे होते हैं, 15-16 साल के बच्चे होते हैं, और ये सब पैंडेमिक सिचुएशन में उनका साइकोलॉजी भी बैलेंस करना बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखिए कि कौन सी इंस्टीट्यूट आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रही है, ना कि रिकॉर्डेड, ओके। क्योंकि रिकॉर्डेड बच्चा देखता नहीं है। लाइव क्लासेस में क्या होता है कि टीचर पूछता रहता है, अरे आज ये नहीं दिख रहा है, आज वो नहीं दिख रहा है, फिर उसके पेरेंट्स को मैसेज चला जाता है कि आज आपके बच्चे ने लाइव क्लास क्यों नहीं अटेंड की। तो ये सब होता है, इसीलिए आप जब ऑनलाइन क्लासेस चूज कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि कौन सी इंस्टीट्यूट आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं देखते। ये अभी लास्ट ईयर से सब ऑनलाइन चल रहा है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं देखते। आती है बात क्वालिफिकेशन की, आप टीचर का क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस भी पूछिए, ओके। आप फ्रीली उनसे बात करिए टीचर से कि टीचर आपका क्वालिफिकेशन क्या था या आपका एक्सपीरियंस क्या था, या वो अपने बच्चे का डाउट सॉल्व करेंगे क्या। बच्चों को पर्सनली कुछ डाउट आता है, कुछ कुछ बच्चे होते हैं कि जो ग्रुप में डाउट पूछना नहीं चाहते, पर्सनली टीचर से डाउट पूछना चाहते, तो ये सब वो बच्चों की नीड को सेटिस्फाई करेंगे क्या। ये भी आप पैसा दे रहे तो आप पूछ सकते हो, है ना, एज अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आप ये पूछ सकते हो। बाद में वो इंस्टीट्यूट आपको प्रॉपरली नोट्स प्रोवाइड कर रहा है क्या, आपको टेस्ट सीरीज ऑफर कर रहे, क्योंकि नीट और जेई में ऐसा होता है कि आपको काफी सारे टेस्ट लेने पड़ते हैं, तो ये सब टेस्ट आपको मिल रहे क्या, आपको प्रॉपर प्रिंटेड वो नोट्स मिल रहे क्या, हर एक टॉपिक के आपको नोट्स मिल रहे क्या, आपको पूरा टेस्ट सीरीज का एडवांस प्लानिंग दिया है क्या। फिर जहाँ पे अभी तो पैंडेमिक है, कभी ये खत्म होगा, ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगे, तो फिर उनका पैटर्न कैसे रहेगा, ये सब आप उनको पूछिए जब आप आपके बच्चे को किसी क्लास में एनरोल कर रहे। अभी तो ऑनलाइन है तो काफी सारे एडमिशन, एक आध इंस्टीट्यूट जो बहुत ज्यादा फेमस होती है उसमें काफी सारे एडमिशन होते हैं। पेरेंट्स ये नहीं सोचते हैं कि ये इंस्टीट्यूट अभी मेरे बच्चे को क्या प्रोवाइड करने वाला है, ओके। लेकिन हमने सिर्फ सुना होता है कई सालों से कि ये इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट पढ़ाएगी बच्चों को, ये इंस्टीट्यूट अच्छी है, लेकिन उसकी आज की सिचुएशन क्या है उस पे भी आप ध्यान दीजिए। आप देखिए कि क्लासरूम में कितने बच्चे हैं, क्योंकि नीट और जेई ऐसा है ना कि आपको वहाँ पे काफी सारे डाउट्स, काफी सारे क्वेरीज आते रहते हैं, वो सॉल्व करने के लिए अगर आप बहुत बड़े, जहाँ पे 200-250 बच्चे मैंने देखा है कि एक एक क्लास में बैठते हैं, फिर वो सभी बच्चों के पर्सनल अटेंशन मिलेगा क्या, आपके बच्चे का डाउट सॉल्व होगा क्या, है ना। तो काफी सारे इंस्टीट्यूट बोलते हैं कि हाँ आप डेमो क्लास देख लीजिए, डेमो क्लास के बाद आप डिसाइड करिए, लेकिन डेमो तो हमेशा अच्छा ही रहेगा, डेमो में कोई खराब अपने क्लास का प्रदर्शन नहीं करेगा, क्योंकि ये कोचिंग क्लास इंडस्ट्री अब बहुत बड़ी कमर्शियल इंडस्ट्री बन गई है। तो आपके बच्चे का नीड क्या है पहले वो आप देखिए, वहां पे कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपके बच्चे को पर्सनल अटेंशन मिलेगा, आपके बच्चे का डाउट सॉल्व होगा कि नहीं,
ये सब बातों को आप ध्यान रखिए। उसके बाद आप ये देखिए कि टीचर का बिहेवियर कैसा है। बच्चों को पढ़ना मतलब एंजॉयफुल होना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि अरे इसमें मुझे मजा आ रहा है, ना कि उसको ये लगना चाहिए कि ये तो मेरे लिए बर्डन बन रहा है ना। तो ये काफी हद तक डिपेंड करता है आपकी टीचर पे, आपका टीचर बच्चों से कितना अच्छा कनेक्ट हो पा रहा है, आपका टीचर बच्चों से कितनी अच्छी तरह से बात करके उनके डाउट सॉल्व करता है। तो वो बिहेवियर पे काफी डिपेंड होता है। कुछ कुछ टीचर बहुत रूड होते हैं बात करने में, उनका तरीका ऐसे होता है कि बच्चे वहीं पे डर जाते हैं और बच्चा कुछ भी डाउट पूछना नहीं चाहता है। तो ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइनली आपको टीचर देखना है, ना कि आपको ट्रेनर। ट्रेनर मतलब रिंग मास्टर। एक चाबुक घुमाया तो सर्कस में जो एनिमल्स होते हैं वो भी तो सीख जाते हैं। तो आपके बच्चे तो ह्यूमंस है ना, उनको एक टीचर की जरूरत है। और जब आप 11th 12th में अच्छे टीचर को देखते हैं, अच्छे टीचर ढूंढते हैं, तो देखिए कि वो सही में टीचर हो ना कि वो ट्रेनर हो। क्योंकि आपको सिर्फ IIT और JEE के मार्क्स के साथ आपको बच्चे का ओवरऑल पर्सनालिटी पे भी ध्यान देना है। तो बच्चा अगर डरा सा रहेगा, सहमा सा रहेगा, बहुत ओवरबर्डन रहेगा, तो उसको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो आप टीचर को चूज करिए, आप रिंग मास्टर को मत चूज करिए। अभी काफी सारे मतलब अभी मैं काफी क्लासेस के नाम यहाँ पे नहीं लूंगी, लेकिन काफी सारे क्लासेस है जिनके रिजल्ट में ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती। पेरेंट्स सिर्फ यही देखते हैं कि इनके क्लास में रैंकर्स कितने हैं, कितने रैंक। तो रैंक को भी आजकल काफी ये एजुकेशन इंडस्ट्री में खरीद लिया जाता है। एक ही लड़का जो 7-8 क्लास वाले उसको फोकस करते और बोलते कि हमारे क्लास का टॉपर है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ट्रांसपेरेंसी रिजल्ट की बिल्कुल भी अभी नहीं रही है। तो कंसिडर आपके चाइल्ड का पोटेंशियल क्या है, उसको कितना ग्रूम करने की जरूरत है। कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते जो अपने आप कर लेते, फिर पेरेंट्स बोलते कि नहीं वो क्लास में गया और उसका नंबर लग गया। लेकिन वो बच्चा करने वाला था तो उसका नंबर लग गया। आपका भी बच्चा क्या पोटेंशियल का है, आपके बच्चे का नीड क्या है। हर एक के बच्चे का अलग अलग नीड रहता है, हर एक के बच्चे का अलग अलग पोटेंशियल रहता है। तो वो आप पहले देखिए आपके बच्चे पे वो बर्डन नहीं आ रहा है, आपका बच्चा वहां पे जाके अपनी क्लास को एंजॉय कर रहा है, ठीक है। उसको पढ़ना मतलब एक अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है, ना कि वो पेरेंट्स डांट रहे हैं, टीचर डांट रहे हैं, इसलिए वो पढ़ रहा है। पढ़ना ये खुद से होना चाहिए, तभी तो जाके आगे इंप्रूवमेंट होगी। 11th 12th आप रिंग मास्टर बन के बच्चों को निकाल लोगे, लेकिन आगे की लाइफ तो उनको खुद को करनी है। वहां पे क्या करोगे आप, है ना। तो उसको अगर इंडिपेंडेंट करना है, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये आजकल बहुत ज्यादा हो गया है कि कोचिंग क्लास कौन सा लगाए और वहां पे मेरे बच्चे को कितना मिले, मेरे बच्चा टॉप कैसे करेगा। टॉपर के पीछे लगने से मुझे लगता है कि आप उसको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें। और आप अच्छा इंसान तभी बनाओगे जब आपको एक अच्छा गुरु मिलेगा। तो ये सब बातें आप ध्यान में रखिए और अपने बच्चे को प्रॉपर कोचिंग क्लास में डालिए।